हेलो एवरीवन आज हमको पढ़ना है सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बेसिकली हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है सो वी नो वेरी वेल कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हमें क्यों हैं किस तरह से हमने एनर्जी के लिए बहुत सारे सोर्सेज को जनरेट कर दिया है मतलब कि डिस्कवर किया है ऑलरेडी थे प्रेजेंट यहाँ पर अर्थ के ऊपर लेकिन हमने उनको डिस्कवर किया है कि भाई हमारे पास कुछ फॉसिल फ्यूल्स थे जिनसे हम क्या कर रहे थे एनर्जी ले रहे थे लेकिन फिर हमें समझ में आया कि नहीं पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो एनर्जी भले ही कितनी भी फॉसिल फ्यूल से डराइव क्यों नहीं हो जाए लेकिन वो डिमांड तो फुलफिल नहीं हो रही है सेकेंड थिंग फॉसिल फ्यूल क्या हो रहा है कंटिन्यूअसली खत्म हुए जा रहे हैं तो एक सर्टेन टाइम के बाद जब फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे तो वी हैव सो मेनी अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिससे कि हम एनर्जी को डिराइव कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे सो so, उन्हीं के बारे में हमने डिस्कस किया था तो आज हम उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि एग्जाम के अंदर किस किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो बन सकते सो आई लवीना कुमावतमशाला देखो क्वेश्चन में सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमेशा इस चैप्टर का वो ये कि फ्यूल क्या है द फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है फ्यूल क्या है और सेकेंड थिंग क्या आती है वो ये कि गुड फ्यूल कौन सा होता है गुड फ्यूल कौन सा होता है कौन सा ऐसा फ्यूल है जिसको हम है कि हम गुड कंसीडर करते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा है लेकिन ये अच्छा नहीं है क्या क्वालिटीज होती है उनकी अगर क्वेश्चन आ जाए कि गुड फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ या क्वेश्चन आ जाए कि लिस्ट एनी टू दैट दैट यू यू हैव वुड हैव लुक फॉर इन अ गुड गुड फ्यूल या इस टाइप का को कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा आंसर तो सिमिलर रहेगा कि भाई गुड फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं क्या स्पेशलिटी होती है एक फ्यूल की जिसके बाद में हम उसे गुड फ्यूल कंसीडर कर देते हैं सी द फर्स्ट थिंग इज इसके फ्यूल क्या होता है फ्यूल वो चीज होती है जिसको जब जलाया जाएगा तो वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा जब उसका कम्बशन किया जाएगा कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जब हम क्या करेंगे उसका कम्बशन करेंगे तो उस कंबेशन के टाइम पर वो क्या करेगा कम्बशन के टाइम पर वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा वो हमें प्रोवाइड करेगा एनर्जी क्या प्रोवाइड करेगा एनर्जी प्रोवाइड करेगा फाइन एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको जब कम्बस कंबेशन किया जाएगा जिसका या उसको जब जलाया जाएगा तो वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करने वाला है उसे हम क्या कह देते हैं फ्यूल कह देते हैं हमने फॉसिल फ्यूल्स के बारे में तो सुना ही है लेकिन एक गुड फ्यूल कौन सा होता है तो एक गुड फ्यूल वो होता है जिसका कि ट्रांसपोर्टेशन इजी हो उसको इजीली हम स्टोर कर सके देखो क्या होता है गुड फ्यूल इजी टू स्टोर होना चाहिए वो सबसे पहली चीज़ तो यही कि अगर हम उसको स्टोर करना चाहे तो हमारे लिए थोड़ा ईजी हो जाए अगेन उसके बाद क्या होगा इजी टू ट्रांसपोर्ट अगर हमें एक जगह से कहीं और लेकर जाना है तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी क्या होना चाहिए उसका ईजी होना चाहिए ऐसा तो है नहीं कि यहाँ अगर हमको फ्यूल मिला है तो हम यहीं पर उसको कम्बशन करेंगे यहीं पर हम उससे एनर्जी डराइव करेंगे और फिर हम सप्लाई करेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड इट्स नॉट पॉसिबल फाइन तो ये प्रैक्टिकल भी नहीं है तो फ्यूल का ट्रांसपोर्टेशन भी थोड़ा सा क्या होना चाहिए इजी होना चाहिए उसके अलावा हमें ऐसा फ्यूल चाहिए जो एक बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ हो लेकिन वो हमें ज़्यादा एनर्जी दे लेस क्वांटिटी बट मोर एनर्जी ठीक है लेस क्वांटिटी में यूटिलाइज होना चाहिए इसका लेकिन वो क्या करे वो हमें मोर एनर्जी दे बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दैट मीन्स कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए प्लस इको फ्रेंडली होना चाहिए वो इको फ्रेंडली क्यों होना चाहिए ताकि वो हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी हार्म ना करे इट शुड बी इको फ्रेंडली ताकि वो हमारे को हार्म ना करे वो हमारे को पॉल्यूट ना करे उसके अलावा वो इजिली अवेलेबल भी हो जाए ऐसा नहीं हो कि उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़े या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड हो तभी वो मिले नहीं वो इजिली अवेलेबल होना चाहिए सब जगह पर ताकि एनर्जी की डिमांड को फुलफिल किया जा सके फाइन तो दीज आर सम क्वालिटीज जिसके बाद हम उस फ्यूल को गुड कंसीडर कर देते हैं अगर उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज प्रेजेंट है तो सी इजी टू स्टोरेज होना चाहिए उसका उसका स्टोर करना इजी हो ट्रांसपोर्टेशन करना उसको इजी हो उसका यूज करना इजी हो जाए सेकंड नेक्स्ट थिंग क्या है कि उसकी क्वान्टिटी uh, हमें कम यूज करें हम लेकिन हमें ज्यादा एनर्जी मिले दैट मीन्स की उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो थोड़ी सी ज्यादा हो उसके अलावा वो इको फ्रेंडली भी होना चाहिए अगर वो एन्वायरमेंट को हार्म करेगा अगर वो एन्वायरमेंट को पोल्यूट कर देगा चाहे वो सॉइल पॉल्यूशन फैलाए चाहे वो एयर पॉल्यूशन फैला रहा है चाहे वो वाटर पॉल्यूशन फैला रहा है कुल मिला के ओवरऑल अगर देखा जाए तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का तो नुकसान ही है इको का बैलेंस भी गड़बड़ हो रहा है दैट इज वाई फ्यूल शुड बी इको फ्रेंडली उसके अलावा ये जो फ्यूल है वो ईजिली अवेलेबल होना चाहिए ऐसा नहीं हो कि कहीं पर अवेलेबल ना हो ये फाइन चलो

लेकिन मिलियंस ऑफ इयर्स के बाद में बन के आएगी तब तक हम क्या करेंगे ये जनरेशन तो खत्म होती जा रही है हमारी आगे से आगे जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसको फॉसिल फ्यूल्स नहीं मिलेंगे तो उनकी एनर्जी की डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या किया गया कुछ अल्टरनेटिव सोर्सेज को ढूंढा गया उन अल्टरनेटिव सोर्सेज में एक सोर्स क्या आता है बायोगैस आता है और बायोगैस जो है वो फार्मर्स के लिए बहुत ज्यादा वरदान साबित हुआ है ऐसा क्यों हुआ तो देखो जो बायोगैस प्लांट है वो बहुत ही कम जगह लेता है Can you कि वो बहुत कम जगह में हो जाता है उसका मेंटेनेंस भी नहीं है बायोगैस का जो प्लांट लगता है अगर तो वो बहुत ही लो मेंटेनेंस पे वर्क करता है लो मेंटेनेंस चाहिए उसको कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है उसके अलावा मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट तो नहीं है उसके अलावा उसको इम्प्लांट करने का भी ज्यादा एक्सपेंस नहीं आता है अगर हमें उस प्लांट को लगाना है तो भी उसका ज्यादा एक्सपेंस नहीं आता है ज्यादा एक्सपेंस नहीं है अगर तो फार्मर उनको बहुत ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं और अगर फार्मर्स उनको इजिल अफोर्ड कर सकते हैं तो फार्मर्स विल बी वेरी हैप्पी अगर बायोगैस प्लांट को ही हर जगह पर लगाया जाए फाइन उसके अलावा अगर हम देखें तो ये क्या करता है वेस्ट डिस्पोजल का बहुत ही अच्छा तरीका है जो प्लांट का वेस्ट होता है जो क्रॉप का वेस्ट हो जाता है या अगर हम देखें किचन का वेस्ट है लिविंग वेस्ट है लिविंग एक्सक्रीटा है जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है फार्मर्स के पास में उन सब से क्या किया जा सकता है बायोगैस बनाई जा सकती है तो ये एक बहुत ही इजी वे हो जाता है बायो ईजी वे हो जाता है किसका वेस्ट डिस्पोजल का भाई इतना सारा वेस्ट है उसको डिस्पोज कहाँ करेंगे तो बहुत बड़ी समस्या है क्या उसको वाटर बॉडीज में डाले या हम उनको जला दे या हम गाड़ दे या क्या करें तो ये फार्मर सोच सोच के परेशान होते हैं लेकिन जब बायोगैस प्लांट लगाया जाता है तो सारा का सारा वेस्ट जो है वो उसके अंदर डाल दिया जाता है और उससे बायोगैस बना दी जाती है फाइन तो ये वेस्ट डिस्पोजल का बहुत ही ईजी वे हो जाता है तो किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है नेक्स्ट के जब बायोगैस बनाई जाती है तो जो रिमेनिंग रेजिड्यू होता है जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसका वो जो रिमेनिंग पार्ट है वो एज मेन्योर काम में लिया जाता है रिमेनिंग पार्ट को कि किसके फॉर्म में यूज किया जाता है एज मेन्योर उसको काम में लिया जाता है और जब इसको एज मन्योर काम में लिया जाएगा इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब है कि फार्मर्स को फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है ना ही उनको किसी केमिकल की रिक्वायरमेंट है तो जब वो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ ही नहीं कर रहे हैं तो उनकी फार्मिंग भी कैसी होगी ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी और साथ ही साथ में क्या होगा क्रॉप प्रोडक्शन को वो इंक्रीज कर सकते हैं विदाउट एनी केमिकल और जब केमिकल नहीं है तो सिंपल सी चीज़ है हमारे लिए भी वो बहुत अच्छा है तो फार्मर्स के लिए तो ये वरदान ही साबित हो रहे हैं देर आर सो मैनी क्वालिटीज इन बायोगैस प्लांट उसके अलावा अगर हम देखें तो बायोगैस प्लांट जो है वो कोई भी पॉल्यूशन नहीं फैला रहा है ये इको फ्रेंडली भी है अभी हमने वही कहा ना इको फ्रेंडली होना चाहिए तो ये इको फ्रेंडली भी है बिकॉज ये कोई भी पॉल्यूशन नहीं फैला रहा है ये बिल्कुल भी एयर को पॉल्यूट नहीं करता है ना ही ये सॉइल को पॉल्यूट कर रहा है ना ही ये वाटर को पॉल्यूट करता है किसी को भी ये पॉल्यूट नहीं करता हुआ ना ये बहुत आसान बहुत ईजी और ये एक वरदान के रूप में साबित हुआ है फार्मर्स के लिए बिकॉज ऑफ दीज रीजन फाइन चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट आर द एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी के एडवांटेजेस क्या है क्यों हम न्यूक्लियर एनर्जी का ज्यादा यूज करने की कोशिश कर रहे हैं सी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई है ना और कंटिन्यूअसली ग्रो हो रही है कंटिन्यूअसली ग्रो हो रही है मतलब अभी भी अगर देखें देखे ना तो हर एक सेकेंड में बहुत सारे बेबीज का बॉर्न हो रहा है हाँ ऑब्वियसली हो रहा है अब इन सबकी जो एनर्जी की डिमांड है उसको फुलफिल कैसे किया जाएगा भाई पहले हमने क्या देखा फॉसिल फ्यूल का यूज किया फिर हमने क्या किया सन की एनर्जी का भी यूज कर लिया बायोगैस को भी यूज कर लिया ओशन थर्मल एनर्जी को भी यूज कर लिया वेव एनर्जी टाइडल एनर्जी विंड एनर्जी बहुत सारी एनर्जीज का यूज कर लिया लेकिन फिर भी हमें ऐसे लग रहा है कि बहुत मेहनत के बाद भी उतनी ज्यादा एनर्जी जो है अभी तक नहीं बन पा रही है तो यहां पर क्या हुआ हमने न्यूक्लियर एनर्जी को भी नहीं छोड़ा ये न्यूक्लियर एनर्जी जो है इसको भी हमने नहीं छोड़ा अब इसके आपको एडवांटेज बताने की भाई न्यूक्लियर एनर्जी का आप यूटिलाइज कर रहे हो आप चाह रहे हो कि इससे हम क्या करें अपनी एनर्जी की डिमांड को फुलफिल कर ले तो इसके एडवांटेज क्या है क्यों हम इसकी ओर जाना चाह रहे हैं तो देखो न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है जब न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए जाते हैं तो वहां पर जो रिएक्टिविटी uh, के लिए जो भी मटेरियल यूज किया जाता है वो मटेरियल बहुत ही कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है बेसिकली यूरेनियम का यूज किया जाता है बिकॉज इट इज़ वेरी रेडियो एक्टिव मटीरियल लेकिन ये जो यूरेनियम है ये बहुत ही बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में भी ये बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ अगर एनर्जी दे रहा है तो डेफिनेट सी बात है न्यूक्लियर एनर्जी जो है है वो बहुत ज्यादा सही है हमारे लिए उसके अलावा अगर हम देखें तो एक पर्टिकुलर जो 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 थोड़ा सा अगर पार्ट था यूरेनियम का बहुत थोड़ा सा पार्ट है यूरेनियम की क्वांटिटी हमको कैसी चाहिए बिल्कुल कम चाहिए लेस क्वांटिटी रिक्वायर्ड ठीक है उसके अलावा एक बार जब इससे एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है तो उसके बाद हमको बार बार इसको जो है चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती बार बार इसके अंदर फ्यूल डालने की रिक्वायरमेंट नहीं होती एक बार लगा दिया ठीक है हो गया उसके अंदर थोड़ा सा यूरेनियम डाल दिया हमने अब कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है एनर्जी बन रही है लेकिन उसके अंदर बार बार डालने की जरूरत नहीं है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक वो एक ही बार में चलता रहेगा तो उससे क्या होगा एनर्जी भी मिलती रहेगी ऐसा नहीं है कि जैसे थर्मल एनर्जी में होता है या किसी और में कि फॉसिल फ्यूल्स को डालना पड़ता है बहुत सारा तब जाके जो है एनर्जी आती है जब तक वो आएगा तब तो तक एनर्जी आएगी विंड एनर्जी में भी यही है जब तक हवा चलेगी तब तो तक एनर्जी मिलेगी लेकिन इसके अंदर क्या है थोड़ा सा यूरेनियम डाला और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में हमें एनर्जी मिल रही है तो हुआ ना ये बहुत अच्छा ये तो इसका बहुत ही बड़ा एडवांटेज है और इससे हमारी एनर्जी की डिमांड भी बहुत ही आसानी से फुलफिल हो रही है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपोज दिहरी डैम ऑन दी रिवर गंगा एंड सरदार सरोवर प्रोजेक्ट ऑन द रिवर नर्मदा लोगों ने ये टिहरी डैम जो बन रहा था गंगा नदी पे और सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो चल रहा था नर्मदा नदी पर होने वाला था उसका लोगों ने अपोज क्यू किया था क्यों लोग जो थे उनके अगेंस्ट में थे अब अगर डैम बनता तो ये तो अच्छा ही होता पानी कलेक्ट हो रहा था प्लस उससे एनर्जी भी बन जाती तो फिर लोग इसके अपोज में क्यों तो हमने एक क्वेश्चन देखा था हमने पहले जब पढ़ा था तो हमने कहा था कि डैम के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं डैम जब बनाया जाता है उसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं बस वही तो पूछा है भाई लोग अपोज क्यों होंगे जब कोई डिसएडवांटेज होगा कोई उनको हार्म हार्म होगा तभी तो वो उसके अपोज में होंगे तो बस यहाँ पर क्या बताना है डिसएडवांटेजेस बताने हैं डैम के उसके अलावा मेंशन थ्री डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बाय कंस्ट्रक्टिंग द डैम्स एक और क्वेश्चन है जो बिल्कुल सिमिलर है आंसर दोनों का सेम रहेगा क्वेश्चन कैन बी ऑफ दिस दिस टाइप ऑफ फॉर्म एंड क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में भी हो सकता है कौन सी फॉर्म है देखो मेंशन थ्री डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बाय कंस्ट्रक्टिंग द डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनानी है लेकिन डैम को कंस्ट्रक्ट करके बनानी है या अगर हम बोलते हैं टिहरी डैम जो है रिवर गंगा पे जो बन रहा था या सरदार सरोवर प्रोजेक्ट चलना वा, चलने वाला था नर्मदा पे लोगों ने उसको क्यों अपोज किया था दोनों का आंसर क्या होगा बिल्कुल सिमिलर होगा बेसिकली अगर डैम के बारे में सोचा जाए तो डू यू नो कि डैम को बनाने के लिए बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में बड़े बहुत लार्ज एरिया की रिक्वायरमेंट होती है बहुत ज्यादा लार्ज एरिया की रिक्वायरमेंट होती है डैम को कंस्ट्रक्ट करने में सो द फर्स्ट थिंग कि इतना बड़ा जो एरिया है क्या आज की डेट में प्रेजेंट है बिल्कुल नहीं है या तो क्या करना पड़ेगा बहुत सारे पेड़ काटने पड़ेंगे या फिर जहां पर लोग रह रहे हैं उनको हटाना पड़ेगा तब जाके वहां पर क्या होगा डैम बनेंगे नेक्स्ट थिंग कि जिस रिवर के ऊपर डैम बनता है उसके अंदर बहुत सारे एक्वाटिक लाइफ है बहुत अच्छी सी एक्वाटिक लाइफ चल रही है वहाँ पे नीचे बहुत सारे फिश है और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो पानी के अंदर रह रहे हैं प्लस बहुत सारे वहाँ प्लांट्स है जो पानी के अंदर ग्रो करते हैं पानी के आस में ग्रो करते हैं उन सबको क्या करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा सिंपल सी चीज़ है ये तो तभी तो इतना बड़ा लैंड एरिया इतना बड़ा जो लैंड है वो मिलेगा इतना लार्ज एरिया मिलेगा तो सोचो लोग जो है वहाँ पर क्यों नहीं अपोज करेंगे डेफिनेटली अपोज करेंगे लोग तो उनको देखो क्या हुआ वहां से क्या करना पड़ा लोगों को माइग्रेट करना पड़ा तो ये जो माइग्रेशन था लोगों का माइग्रेशन ऑफ पीपल कई बार सुना होगा कि गवर्नमेंट ने क्या किया है एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों को वहां से हटा दिया है और उनको कहीं और रहने के लिए कह दिया गया है या उनको कहीं और रहने के लिए जगह दे दी गई है तो उस सर्टेन सिचुएशन में क्या होता है जब लोगों को माइग्रेट करवा दिया जाता है तो लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और उस प्रॉब्लम के साथ में लोग कॉप-अप नहीं कर पाते हैं दैट इज़ वाई लोगों ने उनका अपोज उनको अपोज़ किया था उनके अगेंस्ट में थे लोग कि भी डैम नहीं बनाना है बिकॉज हमें अपना घर नहीं छोड़ना है तो लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है उसके अलावा क्या होता है उसके अलावा एक्वाटिक लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ता है एक्वाटिक लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ता है उसके अलावा अगर हम देखें तो जो प्लांट्स होते हैं उन पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है क्यों पड़ता है प्लांट्स पे सपोज कोई ऐसा पर्सन है जिसकी जहां पर डैम की बात हो रही है उसी एरिया में उसका घर भी है और साथ ही साथ वो अपना खेत भी चला रहा है ऑब्वियसली खेती हो रही है बहुत सारे पेड़ पौधे लग रहे हैं तो वहां पर अगर डैम बनाया जाएगा तो क्या होगा उस पूरे एरिया को खाली करना पड़ेगा और उसी के साथ में क्या होगा प्लांट्स पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उन प्लांट्स को भी वहां से हटाना पड़ेगा कई बार होता है कि डिफॉरेस्टेशन भी कर दिया जाता है कई बार क्या होता है डिफॉरेस्टेशन भी कर दिया जाता है तो क्या ये सारे गुड साइंस है बिल्कुल भी नहीं है ये सब कोई गुड साइन नहीं है ये बहुत ही बैड साइंस है दैट इज वाई जब डैम्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेज होता है उसका फाइन चलो sure. आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनोज फादर वर्क इन अ न्यूक्लियर पावर रिएक्टर मनोज के दो फादर है वो एक न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में वर्क करता है भाई सबके पापा कहीं ना कहीं काम करते हैं और हमको पता होता है लेकिन जो यहाँ पर मनोज है उसका उसके पापा कहाँ काम कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में काम करते हैं ही आस्ट हिज फादर टू टेक हिम फॉर अ विजिट टू न्यूक्लियर पावर रिएक्टर अब मनोज ने अपने पापा को बोला कि पापा मैंने जो है अपनी आ, साइंस की बुक के अंदर मैंने क्या पढ़ा है न्यूक्लियर पावर रिएक्टर के बारे में पढ़ा है अब ये जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है मैं ये चाहता हूँ कि आप क्या करें मुझे वहाँ पर घुमाने ले जाए ताकि मैं आ, उसको अच्छे से देख सकूँ तो मुझे वो पूरा समझ भी आ जाए बट हिज फादर वॉज नॉट कीन टू टेक हिम देयर उसके फादर जो थे वो बिल्कुल भी आ, उसको वहाँ पर ले जाना नहीं चाह रहे थे ही डोंट वॉन्ट कि जो मनोज है वो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में जाए अब आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने कैसा क्यों था व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन ऑफ मनोज फादर नॉट टेकिंग हिम टू न्यूक्लियर पावर रिएक्टर द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि उसके फादर ऐसा क्यों नहीं चाह रहे थे भाई हर फादर जो है अपने बच्चों को ऑफिस दिखाने ले जाता है कई बार ले जाता है अगर ज्यादा जिद करते हैं तो कि भाई ठीक है आप लोग वहां देखोगे तो आप समझेंगे लेकिन मनोज के फादर ने क्यों मना कर दिया कि नहीं बेटा मैं आपको न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में नहीं ले जा सकता बिकॉज ऑफ द सेफ्टी पर्पज क्यों नहीं ले जा सकते वो बिकॉज न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जो होता है वहां पर सेफ्टी नहीं होती वो सेफ्टी कंसर्न के लिए उन्होंने क्या कर दिया उसको मना कर दिया कि बेटा हम आपको वहां नहीं ले जाएंगे क्यों नहीं ले जाएंगे कि वहां पर क्या किया जाता है यूरेनियम है वहां पर यूरेनियम से क्या किया जा रहा है एनर्जी को डराइव किया जा रहा है और इतनी ज्यादा रेडियो एक्टिव आ, रेडियो एक्टिव जो यूरेनियम है कि उसकी वजह से रेडिएशन बहुत ज्यादा निकलते हैं तो जो वो जो रेडिएशन है वो मनोज की हेल्थ पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकते हैं दैट इज वाई मनोज के फादर नहीं चाह रहे थे कि वो वहां पर जाए फाइन तो वो सेफ्टी कंसर्न के लिए नहीं जा पा रहे थे हेल्थ कंसर्न के लिए उनको वो नहीं ले जा रहे थे नेक्स्ट थिंग इज राइट वन एडवांटेजेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ सेटिंग अप न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है उसका एडवांटेज क्या था अभी हमने उसका एडवांटेज देखा था कि बहुत ही थोड़ा सा यूरेनियम यूज किया जाता है और बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में एनर्जी मिलती है बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें मिल जाती है यूरेनियम से और एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक उसको छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ती एक बार डाल दिया हो गया वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक हमें क्या देगा बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा अब उसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं तो डिसएडवांटेज में सबसे पहली चीज ये कि इतनी ज्यादा रेडिएशन होती है कि अगर कोई भी उसके रेडिएशन के कॉन्टेक्ट में आता है तो उसकी बॉडी पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है फाइन नेक्स्ट थिंग क्या हो सकती है नेक्स्ट थिंग ये कि जो इसका जो वेस्ट होता है उसका डिस्पोजल करना बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज हिरोशिमा और नागासाकी वाला केस सबने सुना हुआ है हिरोशिमा और नागासाकी में आज भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है भले ही वो सालों पहले हुआ था वो अटैक लेकिन अभी भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है जो रेडियो एक्टिव जो यूरेनियम uh, था उसकी जो रेडिएशन थी वो आज भी वहां पर है लोगों में इम्पैक्ट वहां पर दिखाई देता है उसकी वजह से फाइन तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इसका आगे आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स इज एसिड रेन हैपेंस बिकॉज एसिड रेन क्यों होती है तो हमको पता है वैसे एसिड रेन क्यों होती है सो देयर आर सम ऑप्शंस सन लीड्स टू हीटिंग अपटिंग ऑफ अपर लेयर ऑफ एटमोस्फियर सन जो है अपर uh, जो एटमोस्फेयर की लेयर है उसको हीटअप करता है, होती है. या फिर बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूज रिलीज ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन नाइट्रोजन एंड सल्फर इन द एटमोसफियर या जो फॉसल फ्यूज है जब उनको बर्न किया जाता है तो कार्बन uh, के नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को रिलीज कर देता है वो या सल्फर के ऑक्साइड को रिलीज कर देता है दैट इज वाई होता है या फिर इलेक्ट्रिकल चार्जेस आर प्रोड्यूस ड्यू टू फ्रिक्शन क्लाउड्स क्लाउड्स के बीच में जो फ्रिक्शन uh, होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेट हो जाता है दैट इज वाई एसिड रेन होती है या फिर अर्थ एटमोस्फियर कंटेंस एसिड अर्थ का जो एटमोसफियर उसमें एसिड होता है तो नहीं अर्थ के एटमोसफियर में कहीं एसिड नहीं होता है एक्चुअली द थिंग इज कि जो फॉसिल फ्यूल होते हैं जब उनको बर्न किया जाता है तो उस बर्निंग से क्या होगा उस बर्निंग की वजह से ऑक्साइड्स निकलेंगे उस बर्निंग की वजह से क्या होगा कार्बन के ऑक्साइड्स आ जाएंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो जाएंगे सल्फर के ऑक्साइड्स निकलेंगे अब ये जो ऑक्साइड्स है सल्फर डाइऑक्साइड है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है या कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बन के ऑक्साइड्स है मोनोऑक्साइड एंड ऑल दैट फाइन ये सारे क्या करेंगे जब बारिश होगी बारिश का जब पानी आएगा तो ये उसके साथ मिक्स हो जाएंगे और मिक्स होकर क्या बनाएंगे एसिड्स फॉर्म करेंगे मिक्स होकर क्या करेंगे एसिड्स फॉर्म करेंगे और वही एसिड कहाँ आता है नीचे की तरफ आता है जमीन पे आता है दैट इज वाई क्या हो जाती है वो वो एसिड रेन में कन्वर्ट आता तो बारिश का पानी है लेकिन वो एसिड रेन में कन्वर्ट कब हो जाती है जब एटमोसफियर में इन सबके ऑक्साइड्स मिल जाते हैं क्यों मिलते हैं बिकॉज ऑफ दी बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल फाइन चलो सो so आई होप कि इसका आंसर आपको मिल गया नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हाइड्रो पावर प्लांट हाइड्रो का मतलब बताया था जहां पर नाम आ जाता है हाइड्रो वहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं हम वॉटर की बात कर रहे हैं तो वॉटर से क्या बनाया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है तो जब हम हाइड्रो पावर प्लांट की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी परजेसेज बाय स्टोर्ड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी क्या जो स्टोर्ड वाटर था उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी में या फिर काइनेटिक एनर्जी थी उस स्टोर्ड वाटर में जो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है या फिर इलेक्ट्रिसिटी जो एक्सट्रैक्ट हो रही है वाटर से या फिर वाटर जो है उसको स्टीम में कन्वर्ट किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो देखो हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है ये हाइड्रो पावर प्लांट में बेसिकली हो क्या रहा है तो यहाँ जो रिजर्वोयर के अंदर जो पानी होता है वो स्टोर्ड वाटर है स्टोर्ड वाटर है मतलब वो बिल्कुल ठहरा हुआ पानी है एंड वी नो वेरी वेल कि जब कोई भी चीज़ रेस्ट कंडीशन में होती है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी होती है जब कोई चीज़ रेस्ट कंडीशन में है तो क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके अंदर तो ये पानी क्या है रेस्ट कंडीशन में यानी इसके अंदर क्या है पोटेंशियल एनर्जी है अब पोटेंशियल एनर्जी को क्या किया जाता है इस पोटेंशियल एनर्जी से इसको बहुत ही फास्ट गिराया जाता है और टर्बाइन को रोटेट करवाया जाता है और जब टर्बाइन रोटेट हो जाता है तो ये जनरेटर लगा है जनरेटर क्या करेगा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा और उससे क्या बन जाएगी इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया गया इसको कन्वर्ट कर दिया गया हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किसमें कन्वर्ट कर दिया गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया गया फाइन तो यही देखो हमारा आंसर क्या होगा द फर्स्ट वन की पोटेंशियल एनर्जी जो है बाय स्टोर्ड वाटर इज इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइन चलो आगे आ जाओ आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर प्रॉब्लम इन हार्निसिंग न्यूक्लियर एनर्जी इज हाउ टू न्यूक्लियर एनर्जी को बनाते टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है न्यूक्लियर एनर्जी को डिराइव तो कर रहे हैं हम ठीक है न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स भी हमने लगा दिए हैं लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है क्या न्यूक्लियाई को स्प्लिट करना है वो बड़ी प्रॉब्लम है तो नहीं को स्प्लिट करना तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है वो तो बहुत आसानी से हो जाता है सस्टेन सस्टेन द रिएक्शन रिएक्शन बिल्कुल नहीं भाई तो कर ही रही है कंटिन्यूसली चलती रहती है उसको भी नहीं कर रोकना है डिस्पोज ऑफ स्पेंट फ्यूल सेफली यस इट विल बी योर आंसर कि आप क्या आपको क्या प्रॉब्लम होती है प्रॉब्लम ये होती है कि जो स्पेंट फ्यूल होता है जो ऑलरेडी यूज हो चुका है फ्यूल उसका जो डिस्पोज उसका जो वेस्ट मटेरियल है उसको डिस्पोज करना है उसको क्या करना है डिस्पोज करना है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि आप हर जगह पे इसको डिस्पोज नहीं कर सकते मर्जी हो जहाँ नहीं फेंक सकते कि ठीक है यहाँ फेंक दिया वहाँ फेंक दिया नहीं। ऐसे मर्जी हो जहाँ पे नहीं फेंका जाता ना ही उसको पानी के अंदर गिराया जाता है ऐसे तो उसका डिस्पोजल हम कहाँ करें ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है फाइन देन कन्वर्ट न्यूक्लियर एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं जब न्यूक्लियर पावर रिएक्टर लगाया गया है तो इस न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही तो कन्वर्ट किया जा रहा है तो वहां सोचने वाली बात नहीं है सो योर आंसर विल बी सी आंसर क्या होगा सी होगा चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ दोलर कुकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट सोलर कुकर का ऐसा कौन सा पार्ट है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को शो करता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या होता है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब ये है कि कुल मिला जितनी भी सनरेज आ रही है उनको ट्रैप कर लिया जाए बस उनको बाहर नहीं जाने दिया जाए सनरेज जितनी भी आई सारी की सारी ट्रैप हो गई है लेकिन वो बाहर नहीं जा पा रही है तो ये क्या है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है अब सोलर कुकर के अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट कहां पर देखने को मिलता है तो वी नो वेरी वेल कि यहाँ पर क्या होता है सनरेज जो है आती है सनरेज रेज यहाँ आती है ये क्या है ये प्लेन मिरर है रिफ्लेक्टर है यहाँ पर आई सनरेज सनरेज आई और सनरेज कहाँ चली जाती है यहाँ ग्लास शीट पे चली जाती है सनरेज कहाँ जाती है इस ग्लास शीट पे जाती है जब इस ग्लास शीट के अंदर जाएगी तो हमें पता है कि ये जो ग्लास शीट है ये इस सन रेज को बाहर नहीं आने देगी वी नो वेरी वेल ये हमने पढ़ा है कि ये ग्लास शीट जो है ये सन रेज को इसमें से बाहर नहीं जाने देगी ठीक है दैट इज वाई हमारा आंसर क्या होगा हमारा आंसर होगा ग्लास शीट जो क्या करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये सनरेज को ट्रैप तो कर लेती है लेकिन उसको बाहर की तरफ जाने के लिए मना कर देती है ताकि अंदर ही क्या हो सके अंदर ही मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो और उससे क्या हो हीट जनरेट हो वहीं पर क्या हो सारी की सारी सनरेज जो है ट्रैप हो जाए और वो ट्रैप्ड सनरेज जो है वो टेम्परेचर बढ़ा दे और जो फूड है वो कुक हो जाए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से आपको ये बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है सन कैन बी टेकन एज एन इनएक्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी सन जो है क्या वो इनएक्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में लिया जाता है क्या ये इनएक्टेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है या फिर देर इज इन्फाइनाइट स्टोरेज ऑफल फ्यूल इन साइड द अर्थ फॉसल फ्यूल के लिए अर्थ के अंदर बहुत ज्यादा स्टोरेज है हाइड्रो एन विन एनर्जी प्लांट आर नॉन पॉल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी हाइड्रो एनर्जी और विन एनर्जी प्लांट जो है ये नॉन पॉल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी है इनसे पॉल्यूशन नहीं फैलेगा वेस्ट फ्रॉम अ न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन बी ईजिली डिस्पोज ऑफ क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो वेस्ट है वो ईजिली डिस्पोज ऑफ हो सकता है तो यर आंसर विल बी पार्ट ए ऑप्शन ए क्या है ऑप्शन ए सन कैन बी टेकन एज एन इनएक्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑब्वियसली सन जो है वो इनएक्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो एक सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम के बाद भी खत्म नहीं होने वाला है क्यों नहीं होने वाला है तो सन मिलियंस ऑफ इयर्स से हमें एनर्जी ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है आगे भी करता रहेगा कंटिन्यूस वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है तो ये खत्म नहीं होने वाली एनर्जी है ये एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होगी क्यों नहीं होगी तो हमको पता है सन कभी बना थोड़ी ना करेगा कि आज मैं एनर्जी नहीं दूंगा रोज़ वो अपनी एनर्जी देता है रोज़ हम उसको यूटिलाइज करते हैं फिर सब नए दिन वापस आता है फिर एनर्जी देता है तो ये इन इनएक्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी लेकिन अगर हम इनकी बात करें फॉसल फ्यूल की तो कोई इनफाइनाइट कोई फाइनाइट स्टोर नहीं इन्फाइनाइट स्टोरेज नहीं है अर्थ के अंदर ठीक है उसके अलावा हाइड्रो विंड एनर्जी है ये नॉन पॉल्यूटिंग नहीं है पॉल्यूशन होता है इनसे भी थोड़ा बहुत वेस्ट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर का बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है छोटी प्रॉब्लम नहीं है ये तो चलो नेक्स्ट थिंग इज वाई इज देयर अ नीड टू हार्नेस नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी गिव टू मेन रीजन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उनको बनाने के बारे में क्यों सोचना पड़ा हमें क्यों हमने अल्टरनेटिव सोर्सेज को ढूंढा है क्यों हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को देख रहे हैं मतलब जो ट्रेडिशनल नहीं है जो पहले से नहीं आया उसके बाद में हमने उनको डिस्कवर किया है तो बेसिकली अगर हम देख, देखें तो हमें पता चलेगा कि पॉपुलेशन जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्रोइंग पॉपुलेशन है हमारी और इतनी पॉपुलेशन को एनर्जी की उनकी डिमांड को फुलफिल कर पाना थोड़े से फॉसिल फ्यूल के लिए आसान नहीं होगा फॉसिल फ्यूल जो लिमिटेड क्वांटिटी में उसके लिए आसान नहीं है कि पूरी की पूरी जनता के लिए क्या करे इतनी ज्यादा एनर्जी प, बना दे तो उसके लिए हमने क्या ढूंढा हमने कुछ अल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढे हैं जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं एनर्जी को डेराइव कर सकते हैं तो देर आर सो मेनी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जिससे कि एनर्जी की जिससे एनर्जी को डेराइव किया जा सकता है और उससे क्या होगा एनर्जी की डिमांड को भी फुलफिल किया जा सके उसके अलावा जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है लाइक फॉसिल फ्यूल है कोल है पेट्रोलियम है नेचुरल गैस है वी नो वेरी वेल कि उनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं जब ज़मीन के अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग मैटर जब दब जाता है तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर से क्या बनता है फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं लेकिन वो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में बनते हैं वो लेबोरेटरीज के अंदर बनाना पॉसिबल नहीं है ना उनको लेबोरेटरीज में बनाया जा सकता है ना ही उनके ऊपर कोई ट्रायल किया जा सकता है तो uh, जब इतने कम क्वांटिटी क्वांटिटी में, में लिमिटेड है अभी वो और टाइम लगेगा मतलब क्या क्या एनर्जी की डिमांड को बिल्कुल वही स्टॉप कर देंगे कि बस अब एनर्जी की जरूरत नहीं है नहीं एनर्जी की डिमांड तो कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ज्यादा डिमांड भी बढ़ेगी तो उसको फुलफिल करने के लिए क्या किया गया कि अल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढे गए प्लस एक चीज और है कि भाई ये खत्म हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे तो उसके लिए भी हमने वो सोर्सेज जो है पहले से ही ढूंढ के रखे हैं कि एक सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम के बाद में जब सारे फॉसल फ्यूल्स खत्म हो जाएंगे तब भी एनर्जी की डिमांड को फुलफिल किया जा सके और उससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैंशन थ्री एडवांटेजेस ऑफ अ सोलर सेल सोलर सेल के थ्री एडवांटेज बताने आप मुझे ये बता दो सोलर uh, पैनल की जब बात आती है तो हमारे घर में जनरली क्या होता है कि हाँ सोलर पैनल तो हम लगवा सकते हैं सोलर पैनल तो हम लगवा सकते हैं क्यों लगवाना है सोलर पैनल बिकॉज वो क्या होता है वो लो कॉस्ट होता है वो लो कॉस्ट होता है तो वो क्या करता है हमारी मनी को सेव करता है हमारे पैसों को बचाता है सेकेंड थिंग क्या हो सकती है कि इसका मेंटेनेंस जो है वो लो मेंटेनेंस मांगता है ये ज्यादा मेंटेनेंस नहीं मांगता है ठीक है इसको ज्यादा मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है उसके अलावा नॉन पॉल्यूटिंग है इको फ्रेंडली है ये ज्यादा पॉल्यूशन नहीं फैलाता है ठीक है नॉन पॉल्यूटिंग है इको फ्रेंडली है ज्यादा ये पॉल्यूशन भी नहीं फैला रहा है और ये हमारी एनर्जी की डिमांड को बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक ये फुलफिल करेगा ऐसा नहीं है कि अभी हमारी एनर्जी की डिमांड को फुलफिल कर रहा है लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या होगा ये खत्म हो जाएगा बिल्कुल भी नहीं ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला है सोर्सेज यानी कि ये क्या है ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ये उसके अलावा ये एनर्जी को स्टोर करने की जरूरत नहीं है इस एनर्जी को स्टोर करने की तो बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज सनलाइट तो मिलती ही रहेगी हमको तो so, देखो कितने सारे हमको एडवांटेजेस मिल गए हैं तो उसमें से आप कोई भी थ्री एडवांटेजेस जो है अपने एग्जाम के अंदर लिख सकते हो फाइन चल आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वॉट आर द लिमिटेशन इन ऑप्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम विंड विंड से जब कोई एनर्जी को डराइव किया जाएगा तो लिमिटेशंस क्या होगी अगर विंड से एनर्जी को डराइव किया जा रहा है तो विंड से एनर्जी को डराइव करने के लिए क्या लगाया जाता है विंड मिल्स लगाया जाता है देर आर सो मेनी एरियाज जहां पर क्या लगे हैं विंड मिल्स लगे हैं अब ये विंड मिल्स क्या करते हैं तो विंड मिल्स के अंदर क्या होता है जैसे ही हवा आती है तो हवा आने से क्या होगा ये पंखे जो है ये घूमेंगे रोटेट करेंगे इनके रोटेशन से जो पीछे जो टर्बाइन लगा है वो रोटेट करेगा और उससे क्या बन जाएगी एनर्जी दर हो जाएगी बिकॉज जनरेटर भी लगा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी को वहां से जनरेट कर लिया जाएगा फाइन तो ये जो विंड मिल्स लगे हैं इनके लिए कुछ लिमिटेशन होती है कि भाई यहाँ हम लगा सकते हैं वहां नहीं लगा सकते आज लगा सकते हैं कल नहीं लगा कौन कौन से लिमिटेशन है एरिया के अंदर नहीं बनाए जा सकते एक छोटे से एरिया के अंदर अगर हम बोले कि विंड मिल्स लगा रहे विंड पावर प्लांट लगा रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है एक बहुत ही बड़े एरिया के अंदर इसको लगाना जरूरी है फाइन सेकेंड थिंग क्या हो सकती है सेकेंड थिंग ये हो सकती है कि इसका Uh, जो कॉस्ट आती है वो भी थोड़ी ज़्यादा होती है मेंटेनेंस भी थोड़ा ज़्यादा होता है कॉस्ट भी हो सकती है मेंटेनेंस हो सकता है ये भी थोड़े ज़्यादा होते हैं बहुत अच्छे से इनका ध्यान रखना पड़ता है उसके अलावा और क्या हो सकता है उसके अलावा ये कि एयर जो है हमें ये चेक करना पड़ता है कि एयर जो है जो विंड चल रही है सॉरी एयर नहीं विंड जो चल रही है उस विंड का ध्यान रखना पड़ता है क्या ध्यान रखना पड़ता है कि विंड जो है वो एटलीस्ट कम से कम तो 15 किलोमीटर पर आर की स्पीड से तो चले ही चले एटलीस्ट जो विंड है वो फिफ्टीन किलोमीटर पर आर की स्पीड से तो चलनी ही चाहिए अगर ये वेलोसिटी नहीं है तो ये विंड मिल भले ही घूम रहा है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो सकती इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन वहां पर नहीं हो सकता अगर इलेक्ट्रिसिटी को डिराइव करना है विंड एनर्जी से तो क्या होगा तो उस टाइम पे विंड जो है वो 15 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलनी चाहिए तभी क्या होगा जो विंड मिल है उसके अंदर जो पंखे लगे हैं वो रोटेट करेंगे और उनके रोटेशन से उनके रोटेशन से क्या होगा एनर्जी जो है वो डिराइव हो जाएगी फाइन तो एरिया बहुत ज्यादा चाहिए इसको उसके अलावा कॉस्ट ज्यादा आती है मेंटेनेंस ज्यादा होता है प्लस इनका जो स्पीड है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है यस yes. पूरे आ, साल भर में अगर हम देखेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि हमें विंड एनर्जी मिल रही है बिकॉज हो सकता है कि गर्मी के टाइम पे हवाएं चल रही है तब तक तो हमें विंड एनर्जी बहुत ही अबंडेंट क्वांटिटी में मिले लेकिन अगर हम बात करें बारिश के सीजन की जब हवाएं कम चलती हैं तब क्या होगा तब हो सकता है कि विंड एनर्जी ना भी मिले तो ये भी एक इसका बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है कि एक ये सीजन वाइज हमको मिलती है उसके अलावा ही नहीं मिलती है। तो हमें एक ऐसा एरिया ढूंढने की ज़रूरत है जहां पर थ्री सिक्सटी फाइव डेज ही क्या चलती रहे हवाएं चलती रहे और बहुत ज़्यादा स्पीड में चलती रहे ताकि क्या हो उससे उससे ये हो कि ये जो विंड uh, मिल है ये हमें एनर्जी देता रहे फाइन चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज देयर अ नीड फॉर हार्नेसिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हाउ कैन एनर्जी बी हार्नेस फ्रॉम दी इन डिफरेंट वेज सी इस क्वेश्चन का आंसर तो हमने अभी देखा था अभी देखा है हमने कि क्यों हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई है क्यों एनर्जी के डिफरेंट सोर्सेज की रिक्वायरमेंट uh, हुई है बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड एग्जॉस्टेबल सोर्सेज जो एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो उनकी वजह से हमें किसकी रिक्वायरमेंट हुई है अल्टरनेटिव सोर्सेज की रिक्वायरमेंट हुई, हुई है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की रिक्वायरमेंट हुई है नाउ द क्वेश्चन इज के हम एनर्जी को uh, अगर हम सी से डेराइव करना चाहें हार्नेस करना चाहें तो ये कैसे पॉसिबल है तो वी नो वेरी वेल कि समुद्र से अगर हमको एनर्जी चाहिए तो वी हैव थ्री मेथड्स। द फर्स्ट वन इज टाइडल मेथड, ठीक है टाइड्स अगर है तो ये पॉसिबल है टाइडल एनर्जी हम डिराइव कर सकते हैं उसके अलावा क्या हो सकता है वेव एनर्जी हो सकती है उसके अलावा क्या हो सकता है वेव एनर्जी पॉसिबल है एंड देन और क्या पॉसिबल है और है ओशियन थर्मल एनर्जी ओशियन थर्मल एनर्जी फाइन चलो अब देखो देर आर थ्री वेज जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं समुद्र से हम एनर्जी को डराइव कर सकते हैं अब इनसे कैसे डराइव होगी तो जहां पर होती है बहुत ज्यादा टाइट्स वहां पर भी क्या कर दिया जाता है कि इस तरह का सेटअप किया जाता है या इस तरह एक छोटा सा डैम और बना के वहां पे क्या कर दिया जाएगा ऐसे बनाया जाएगा उसको कि जब टाइप्स आएंगी तो टाइट्स के आते ही क्या होगा वहां पर वो टर्बाइन रोटेट करेगा और उस टर्बाइन के रोटेट करने से आगे एक लगा होगा जनरेटर जो क्या करेगा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा फाइन वेव एनर्जी की अगर हम बात करें तो जहां पर वेव ज्यादा आती है जिस पर्टिकुलर एरिया के अंदर वेव्स बहुत ज्यादा आती है वहां पर ये सेटअप किया जाता है कि भाई वेव से क्या करें हम टर्बाइन को रोटेट करवा दे और उससे क्या बन जाए इलेक्ट्रिसिटी बन जाए कोई उसमें कुछ खर्चा नहीं फॉसिल फ्यूल लगाने की जरूरत नहीं है सिर्फ जब वेव आएगी तब वो टर्बाइन रोटेट करेगा बेसिकली हमको करना क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए टर्बाइन को रोटेट करवाना होता है जिससे क्या हो जनरेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी को बना सके तो टर्बाइन इस बार किससे रोटेट होगा वेव से हो सकता है बट दी प्रॉब्लम है इसकी हमें ऐसा एरिया ढूंढना पड़ता है जहां पर वेव ज्यादा हो जहां पर वेव कम होगी वहां पर ये कोई काम नहीं आएगा टाइडल एनर्जी में वही है जहां पर टाइट्स होंगी ज्यादा वहीं पर इसको लगा सकते हैं ओशन थर्मल एनर्जी में क्या करना है तो देखो ओशन थर्मल एनर्जी के अंदर हमें ये देखना था कि जो ओशन की जो सरफेस है और उससे अगर थोड़ा सा आप नीचे जाओगे तो वहां उन दोनों के बीच का जो टेम्परेचर है वो कितना गैप होना चाहिए एटलीस्ट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस तक का गैप उसके अंदर होना चाहिए कैसे फाइव टू ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस तक का गैप उसके अंदर जो वेरिएशन है उसमें होना चाहिए लाइक जो ओशन की सरफेस है और जो नीचे वाला पोर्शन है दोनों के अंदर क्या होगा ये जो टेम्परेचर का वेरिएशन होगा इस टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से ही क्या होगा एनर्जी को डेराइव किया जा सकेगा फाइन उस टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से क्या होगा एनर्जी को डेराइव किया जा सकेगा चलो आगे आ जाओ सी आई होप कि आपको पता है कन्वेंशनल सोर्सेज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज क्या है सी यहाँ पर देख लो एक बार ये क्या है टाइड्स टाइड थर्मल एनर्जी है ओशन थर्मल एनर्जी तो ओशन थर्मल एनर्जी जो है यहाँ सेंटर में डराइव की जाती है जहाँ पर ये टेम्परेचर वेरिएशन नज़र आता है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर वो प्लांट लगा दिया जाता है और उससे क्या होता है एनर्जी को डराइव किया जाता है बट द प्रॉब्लम इज कि वहाँ पर एक्वाटिक लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है फाइन टाइडल एनर्जी है जहाँ पर टाइड्स होंगी वहाँ पर उनको डराइव किया जा सकता है वेव एनर्जी को कैसे डराइव करेंगे जहाँ पर वेव ज़्यादा होती है फाइन चलो आगे आ जाओ आई होप कि आपको ओशन थर्मल एनर्जी क्लियर हो गई होगी नेक्स्ट थिंग इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट आर द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूज फॉसिल फ्यूज को यूज करने के एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं उसके अलावा सजेस्ट द स्टेप्स टू मिनिमाइज द पॉल्यूशन कॉज्ड बाय वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी इंक्लूडिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी सी बेसिकली जब फॉसिल फ्यूज का यूज किया जाता है जब फॉसिल फ्यूल का यूज़ किया जाएगा तो एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसिस क्या होते कि एनवायरमेंट के अंदर क्या होगा ऑक्साइड्स निकलेंगे क्या होगा एनवायरमेंट के अंदर जो है वो ऑक्साइड्स बनेंगे और ये ऑक्साइड्स क्या करते हैं एसिड रेन को कॉज करते हैं ये ऑक्साइड्स क्या करते हैं एसिड रेन को कॉज करते हैं इन ऑक्साइड्स ने क्या किया एसिड रेन को कॉज किया और ये जो एसिड रेन है ये लिविंग थिंग्स पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है तो जब फॉसिल फ्यूल ज्यादा हो जाएंगे फॉसिल फ्यूल्स को जब बर्न किया जाएगा तो वो हमेशा क्या करता है हार्म ही करता है चाहे वो एनवायरमेंट की बात है चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात है तो बेसिकली जब जलाया गया तो क्या वो ऑक्साइड्स बने और ये ऑक्साइड्स क्या कर रहे हैं रेन कॉज कर रहे हैं उसके अलावा जो ये फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ये एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं ये फॉसिल फ्यूल्स क्या करते हैं एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं और जब एयर पॉल्यूशन होगा तो क्या होगा एयर पॉल्यूशन की वजह से स्किन uh, एलर्जीज हो सकती है लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है बहुत सारी चीज़ें हैं फाइन तो ये एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं हमारे फॉसिल फ्यूल को यूज़ करने के और भी बहुत सारे हैं और हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो बहुत डिटेल में हमने इनको पढ़ा था बट द थिंग इज कि आप इसको मिनिमाइज कैसे करोगे भाई हमको पता है प्रॉब्लम्स का का है सब चीज़ पॉल्यूट हो रही है फॉसिल फ्यूल बहुत नुकसानदायक है क्योंकि पेट्रोल जब जलता है तो हमको पता है बहुत सारी प्रॉब्लम होती है ब्लैक कलर का धुआं निकलता है ऑक्साइड्स निकलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है एयर पॉल्यूशन हो रहा है हम स्किन uh, एलर्जीज को फेस कर रहे हैं हम लंग्स uh, जो लंग्स की डिजीज होती है उनको फेस कर रहे हैं बट द थिंग इज कि मिनिमाइज कैसे करना है सो देर आर सो मेनी मेथड्स टू मिनिमाइज द पॉल्यूशन कैसे हो सकता है तो देखो हम एक काम कर सकते हैं या तो हम फॉसिल फ्यूल का यूज करना बंद कर दें और भी जितने भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी है जो उनसे जितना भी पॉल्यूशन हो रहा है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हमारी एनर्जी की डिमांड को ही कम कर दिया जाए जब एनर्जी की डिमांड ही कम होगी तो एनर्जी का यूटिलाइजेशन कम होगा तो एनर्जी को बनाना भी कम ही पड़ेगा जितनी डिमांड कम होती है उतना ही उसका प्रोडक्शन भी क्या हो जाता है कम हो जाता है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि वॉकिंग अगर डिस्टेंस है तो हम वॉक करके जा सकते हैं व्हीकल्स का यूज है उसको हम रिड्यूस कर सकते रिड्यूस द रिड्यूस द यूज़ ऑफ व्हीकल्स पॉसिबल है बिल्कुल पॉसिबल है ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है ठीक है रिड्यूस द यूज़ ऑफ व्हीकल कर सकते हैं क्योंकि हमने क्या कर दिया uh, बहुत ही कम लेवल पे हम व्हीकल्स का यूज़ कर रहे हैं लाइक like, अगर वॉकिंग डिस्टेंस है तो हम वॉक करके जा रहे हैं अगर हमें uh, थोड़ी सी डिस्टेंस पर जाना है तो हम साइकिल का भी यूज़ कर सकते हैं पॉसिबल है ये भी उसके अलावा जहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है वहाँ पर हम लाइट्स को ऑफ़ कर सकते हैं पेपर uh, का यूज़ जो है उसको हम कम कर दे तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो देर आर सो मेनी मैथड जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं अपने एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसिस को मिनिमाइज कर सकते हैं जितना पॉल्यूशन हो रहा है उसको कम भी किया जा सकता है सो आई होप कि आपको ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा सी आप आंसर इस फॉर्म में लिख सकते हो नाउ अब आपको क्या करना है आपको ये चैप्टर पूरा रिवाइज करना है इट मे बी पॉसिबल कि कुछ कुछ चीज़ें किसी को लगे कि कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी Thank you so much.